गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिया था। अभी तक हमने क्या किया था कि क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को मतलब इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। अभी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, यानी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमें क्या किया है कि हमें सॉल्यूशन गिवन है, यानी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है x=2, और इसको लेकर हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। और 3 इक्वेशन जो है वी हैव टू मेक इट फ्रॉम स्टार्टिंग विद x=2। तो देखिए बेटा, मैंने x=2 से स्टार्ट किया, x=2। अभी तक जो हमने क्या किया था कि जो हमने जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में किया था और 4.2 में किया था कि हमने वेरिएबल को सेपरेट किया था। तो सेपरेट करने के लिए हमने क्या किए, सेम ऑपरेशन किए लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अब कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हम सेम ऑपरेशन करेंगे, x=2। अब यहाँ पर सेम ऑपरेशन करेंगे, मैं स्टार्ट करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ले लें, 2 ले लें, 1 ले लें, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 अगर मैं ले लेती हूँ, चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स। तो अब हमारे पास क्या आएगा, हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय x=2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2x+4। अभी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2x+4, हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x+4। अब हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है, 2x=4। अब हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है बेटा। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, अब अगेन इसमें कोई और ऑपरेशन कर दीजिए। सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ एडिंग टू बोथ साइड, एडिंग, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इसी में ही मैंने क्या किया, एडिंग टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 को ऐड कर दिया। एडिंग टू बोथ साइड में 2x+2 यहाँ भी 2 ऐड किया, 4+2 यहाँ भी 2 ऐड किया। अब मेरे पास जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, 2x+2=6, 2x+2=6। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मेरे को क्या करना है, मगर हमें इक्वेशन जो है वो 3 इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। अभी तक मैंने एक इक्वेशन 2x=4 एंड सेकंड इक्वेशन 2x+2। अब हम थर्ड ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं इसमें, या से और कोई ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, मैंने हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आई 2x+2=6, इसमें मैंने लिख कर दिया डिवाइड टू बोथ साइड। अब दोनों तरफ हमें डिवाइड करें, हम डिवाइड की जगह सब्ट्रैक्ट भी ले सकते थे, अगेन दोबारा से मल्टीप्लाई भी ले सकते थे। तो अब मैंने डिवाइड किया 2x+2/2=6/2। अब ये 2x+2/2 और 2 1 2 3। तो अभी हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन बनी वो बन गई 2x+2/2=3। तो देखिए बेटा, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो बनी है वो ये इक्वेशन बनी 2x=4। सेकंड इक्वेशन जो हमने कंस्ट्रक्ट करी वो गई 2x+2=6। एंड थर्ड इक्वेशन जो हमने कंस्ट्रक्ट करी वो करी 2x+2/2=3। अब इसका बी पार्ट भी समझ लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चे। अब जो बी पार्ट है, बी पार्ट में भी हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 3 इक्वेशन, मगर उसको जो हमने स्टार्ट करना है, उसको हमने स्टार्ट करना है x=-2 से। जो हमें स्टार्ट करना है वो x=-2, तो 2 की जगह हमें किससे स्टार्ट करना है, -2 से। तो देखिए, हमारे को स्टार्ट किया x=-2, वही सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। मैंने एडिंग टू
इसके बाद मैं थर्ड ऑपरेशन कर रही हूं सब्ट्रैक्ट, इसी में सब्ट्रैक्ट टू बोथ साइड। अब मैंने दोनों तरफ जो है वो टू सब्ट्रैक्ट कर रही हूं, तो हमारे पास टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर माइनस टू सब्ट्रैक्ट करना है एंड जीरो माइनस टू, ये हो गया। अब हो गया टू एक्स फोर माइनस टू प्लस टू जीरो माइनस टू माइनस टू, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। यहाँ पे ये तीन इक्वेशन हमारी बन गई सेम, हम लेके चले थे स्टार्टिंग, हमने स्टार्ट की थी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू से, अलग अलग ऑपरेशन किया तो हमारे पास तीन अलग अलग इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से हम और भी इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन नंबर वन हमारे पास बनी एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू बनी टू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन नंबर थ्री हमारे पास बनी टू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू माइनस टू। तो बेटा ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।